things I've been driving. Welcome back to the new vlog. तो कौन सा, इतने दिनों बाद, महीनों बाद मैं फिर से vlogging start कर रहा हूँ. और इस बार हाँ, अब कोशिश करूंगा कि रेगुलर रखूं. पर अब एक और बहाना आ रहा है, मम्मा के मिडटर्म के वो एग्जाम्स आ गए हैं. हाँ, मतलब मिडटर्म के एग्जाम्स आ गए हैं और अब मतलब अब अभी नहीं ब्लॉगिंग कंटिन्यू करनी. तो चलो कोई बात नहीं, मतलब अब मैं देखूंगा दो या तीन दिन बाद, मतलब छोड़ छोड़ के वीक में दो या तीन तो डाल दिया करूंगा. और गाइज, अभी मैं रात को ब्लॉग स्टार्ट करूँ. अभी मेरा मन कर गया था, नहीं भाई अगर मैं यूं रुका रहा तो फिर नहीं हो पाएगा. तो अब स्टार्ट कर दिया ब्लॉगिंग, बस अब नहीं रुकना. और अभी मैं जा रहा हूँ घर का थोड़ा बहुत राशन लेने के लिए. एंड बस चलते हैं, अरमान मेरे साथ जा रहा है अभी नीचे है. और अभी ये प्रॉब्लम पड़ गई है, हम स्कूटी की चाबी लाने भूल गए. और अभी अभी जस्ट गेट खोला है मैंने तो, और मम्मा ऊपर से पकड़ा रहे हैं. आ गई, ले ले, अब चलते हैं. बस स्कूटी की चाबी मिल गई, अब चलते हैं. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots. Shopping ho chuki hai aur just humne liye ye aise ye do bottles bas. Aur iske liye isne to pure matlab yahi par mart mein na puri matlab isne trolley ghumai hai bas. ट्रॉली के बस दो बोतल के लिए बस ट्रॉली लिया इसने और कुछ नहीं किया. अब चलते हैं घर. और कल आपको ही पता है जैसे गाइस कि कल जन्माष्टमी है, तो जन्माष्टमी में देखेंगे कहीं चलेंगे या तो फिर जाएंगे चाचू के पास. एंड सीन देखेंगे कल का क्या होता है, पर अभी फ़िलहाल चलते हैं घर पे. घर जाने से पहले अरमान और मैं अभी पी के जा रहे हैं मिल्क बादाम. तो दोनों भाई बस यहाँ पर मिल्क बादाम पियेंगे और फिर चलते हैं घर पर. पैसे एक्स्ट्रा रह गए थे तो सोचा चलो कोई बात नहीं, मिल्क बादाम पी लेते हैं. बन जगह दोनों भाई के ये मिल्क बादाम और लिटरली बहुत मस्त हो रहा है. अभी मैंने टेस्ट किया था, अब ये तो लग गया खाने, बस ये खा के फिर चलते हैं घर पे. अभी फ़िलहाल पहुंच चुके घर पे और अब बस बैठ के डिनर करते हैं. और लिटरली मैं बहुत थक क्यों चुका हूँ. और एक तो मैं जब से स्कूल से आया था दोपहर में, मैं आया था 12:30 के करीब और मैंने आते ही फिर थोड़ी बहुत मतलब रेस्ट भी कहाँ हुई मेरी घंटे या पौने घंटे की हुई. एंड फिर उसके बाद मेरा 3:30 बजे मुझे तैयार होना पड़ा क्योंकि अरमान को भी ट्यूशन छोड़ के आना पड़ता है. और फिर मैं 4 बजे भी ट्यूशन पे जाता हूँ, 4 से लेके और 7:30 तक फिर मैं जाके घर पे आता हूँ 2 ट्यूशन्स लगा के. और वो उन्हीं 2 ट्यूशन्स के बाद फिर मुझे अरमान को भी लेके आना पड़ता है इसकी ट्यूशन से. और उसके बाद फिर आके घर पर आता हूँ मैं. सब करते हैं डिनर, करते हैं डिनर में पूछता हूँ मम्मा से कि क्या है. अभी वो कॉल पर बात कर रहे हैं. एंड कल का सीन भी देख लेंगे कि कहाँ जाना है. पर मेरा तो मन है कि चाचा जी के पास ही चले, वहाँ पर जाके एक तो बुलेट चलाने को मिलेगा एंड बाकी देखते हैं आगे. चलो अभी बस पहले मैं डिनर का भी पूछ के आता हूँ मम्मा से. मैं भूल ही गया था कि नानी जी आ रहे हैं चंडीगढ़ से, तो उनको अभी लेने भी जाना. तो डिनर तो आगे करेंगा, अभी जस्ट मैं एक बार कार स्टार्ट करता हूँ और गेट खोलता हूँ. यहाँ पर मैं अभी नानी जी को लेने के लिए खड़ा हूँ और अभी मुझे मम्मा का फ़ोन आया कि नानी जी तो घर पे चले गए, मतलब घर पे आ गए. और मैं इतनी देर से यहाँ पर 15-20 मिनट हो गए वेट कर रहा हूँ गाड़ी में. अब चलते हैं वापस घर पे. अपना ना बस यही है, वो हो जाता है क्या कहते हैं उसको, कि ये होना ही होता है. जब भी मैं कुछ काम करने लगता हूँ ना, कुछ उल्टा सीधा हो जाता है. अब नानी जी घर पे हैं और मैं उनको यहाँ पर ढूंढ रहा हूँ कि आएंगे ना, कैब दिखेगी तो उनको उतारूँगा, गाड़ी में बिठाऊँगा और ले जाऊँगा घर पे. पर अभी वो पहले ही घर पे पहुँच गए. चलो घर चलते हैं वापस. पहुँचो घर पे और अब चलते हैं ऊपर. ये देखो सीढ़ियों पे पड़ा हुआ है नानी जी का बैग, अब वो उठा तो सकती हैं, मैं ही उठा के लेके जाता हूँ ऊपर. अब बस ऊपर चलते हैं एंड फिर बस डिनर करता हूँ मैं. सच्ची में भूख बहुत लग रही है मुझे. तो गाइस अभी फ़िलहाल डिनर कर लिया मैंने एंड डिनर में था दाल एंड सिंपल रोटी खाई है. और कल तो चलो है जन्माष्टमी और कल चलेंगे हम चाचू जी के पास. अब नानी जी आ रखे हैं, दादी जी आ रखे हैं, मतलब मस्त माहौल बन चुका है घर में. अभी नानी जी डिनर कर रहे हैं. अभी नानी जी और मम्मा और अरमान शायद इस रूम में मतलब सोएंगे एंड साथ वाले रूम में मैं और दादी जी एंड बाकी हम देखते हैं. और बस गाइस अभी मैं आपसे सीधा मिलूँगा सुबह. अभी सही में नींद आ रही है, 9:30 हो चुके हैं. तो चलो फिर सुबह व्लॉग करेंगे. तब तक के लिए बाय बाय और वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट डाल दो, जो भी डालना है डाल दो. अभी मैं जस्ट उठा क्या और अभी जस्ट मैं छोड़ के आऊँ अरमान को
अरमान का ट्यूशन था सुबह 9 बजे, आज जन्माष्टमी की छुट्टी है एंड अभी मैं जा रहा हूँ किसी काम के लिए। वो काम क्या है कि मम्मा को अभी स्कूटी पकड़ानी है, मम्मा आ रहे हैं कहीं पर कहीं से और उनसे अभी कार लेनी है, तो कार लेने चलते हैं। Move passing by, I work hard each and every day, I get lost. अभी फिलहाल मैं गाड़ी लेके तो आ चुका हूँ घर पे और अब ऊपर चलता हूँ, ऊपर जाता हूँ और नहाता हूँ बस। अभी मेरा नहाने का मन कर रहा है इसी में, लिटरली 9 नहीं 10 ही बज गए। नहाने के बाद मैंने बस 3 या 4 घंटे आराम से सोया, रेस्ट की एंड अब मैं अरमान को ट्यूशन से लेके आया था, मम्मा छोड़ आए थे उसको। और अभी मम्मा और अरमान की कंट्रोवर्सी चल रही है, मम्मा जा रही है जन्माष्टमी पे मासी जी के घर पे एंड अरमान कह रहे हैं कि नहीं मैंने और नूर ने तो पूल खेलने जाना है। अब देखते हैं कि मैं अब उसके साथ जाऊं या ना जाऊं, अब वो मम्मा बताएंगे, नहीं तो मम्मा कह रहे कि तू मेरे साथ चल और दादी जी और मैं घर पे रहेंगे और मैं मंदिर भी जाया था एंड अब देखते हैं कि क्या होता है। नहीं तो अरमान अभी रो रहा है, कह रहा है कि मुझे पूल खेलना है और मम्मा ऊपर से कह रहा है कि नहीं तू मेरे साथ चल। 1 घंटे के बाद अभी अरमान और मम्मा तो चलो आपको बताया चले गए थे वो एंड आज जो उनकी कॉन्ट्रोवर्सी हुई, अरमान कह रहा था कि मम्मा को कि कल मैं पूल खेलने जाऊँगा, अगर नहीं खेलने गया तो मैं हंसू गुस्सा हो जाऊँगा। अब देखते हैं कि अब मम्मा ने कहा दिया था हाँ पक्का प्रॉमिस है तो कल जाएगा तू पूल खेलने के लिए पक्का। तो अभी जस्ट मैं बस स्टडी करके आता हूँ, स्टडी की थोड़ी बहुत और बस जो एक्स्ट्रा काम कर लिया थोड़ा एंड अब मैं फ्री बैठा हूँ। अब मेरा मन कर रहा है यूट्यूब चलाने का, यूट्यूब देखते हैं थोड़ी देर या फिर कोई मूवी वगैरह देख लेंगे। और बाकी गाइस एंड मुझे ये कमेंट करना कि आपका फेवरेट यूट्यूबर कौन है, मैं तो हूँगा नहीं पक्का, मतलब जो जिसको आप सबसे ज़्यादा देखते हो है ना उसको देखने में आपको मतलब क्या कहते हैं हम कि भाई एक तरह से ना वो मतलब अच्छी फील आती है हाँ भाई कि हाँ वो हमें इंस्पायर करता है कि वो ये काम कर रहा है ना तो हमें भी ये करना चाहिए कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो। और ये मुझे कॉमेंट में बताना एंड बाय द वे अब चलो अब मैं भी थोड़ी देर बस बैठ के थोड़ा चिल करवाता हूँ जब तक मम्मा और अरमान नहीं आते और दादी जी मेरे रूम में ही हैं, वो भी अभी सो रहे हैं शायद, हाँ सो ही रहे हैं एंड क्योंकि मैं तो दूसरे वाले रूम में वो स्टडी कर रहा था। तो अब देखते क्या करना है, बस यूट्यूब देखना है बस अरमान और मम्मा के आने तक थोड़ा चिल मारते हैं एंड उसके बाद बस डिनर करेंगे। लेकिन मेरा मन कर रहा है कि साइकिलिंग करूं, साइकिलिंग करने चलते हैं पर एक बार मम्मा से कॉल पे पूछ लूं बाय चांस घर पे कुछ ज़रूरत होती है या फिर क्योंकि दादी जी भी अकेले हैं और फिर भी एक बार मम्मा से पूछ लूँगा साइकिलिंग के लिए। अगर नहीं अगर वो मना कर देंगे फिर तो बस यूट्यूब चला लेंगे बैठ के। अभी फ़िलहाल मैंने मम्मा से पूछ लिया है साइकिलिंग के लिए, मम्मा नहीं माने, मम्मा कहते हैं कि अभी 7:15 तो रखें और अब कहाँ जाएगा अब क्योंकि फिर अंधेरा भी हो जाएगा। तो अब बस बैठ के बस यूट्यूब चलाते हैं एंड बाय द वे गाइस आज हम जा नहीं पाए चाचा जी के घर पे, अब मम्मा का थोड़ा बहुत काम था तो उन्होंने फिर यूं कर लिया कि हम संडे को चले जाएंगे चाचा जी के पास, वहाँ पर उनके पास फिर उनको मिल के आ जाएंगे वापस गाँव से एंड अभी बस बैठता हूँ आराम से यूट्यूब चलाते हैं। गाइस अभी फ़िलहाल मम्मा और अरमान तो आ चुके हैं और अभी 10:15 हो रहे हैं, बहुत लेट हो गई अम्मा मेरे, मुझे तो नींद आ गई थी, डिनर वगैरह भी कर लिया था मैंने और दादी जी ने, बस हमने खाया था छोले बने थे सुबह सुबह तो वही खा लिए मैंने तो, और बाकी दाल बनी हुई थी पर मेरा छोले खाने का मन था तो छोले की सब्जी खा ली एंड बस अब बस सोते हैं। मम्मा और अरमान तो डिनर करके आ गए थे, अब बस सोते हैं, 10:15 हो रहे हैं। तो भाई यही था आज का ब्लॉग, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को जाके लाइक कर दो, चैनल पे अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो। दिस इज एच एस वॉकर साइनिंग ऑफ, बाय। Made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping out.